नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नन्हे अयांश की जान खतरे में है। जी हाँ, अयांश के लिए लगातार मदद का जो हाथ है वो उठ रहा है, लोगों के द्वारा मदद की जा रही है। अयांश को 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की ज़रूरत है। लगातार क्राउड फंडिंग का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन जिस 16 करोड़ के इंजेक्शन की अयांश को ज़रूरत है उसका जो लक्ष्य है अभी भी दूर है। जी हाँ, माँ बाप के मुताबिक, अयांश के माँ बाप के मुताबिक अभी केवल 6 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं। क्राउड फंडिंग से लोगों के मदद के द्वारा अयांश के माता पिता केवल 6 करोड़ रुपए जमा कर पाए हैं, बाकी 10 करोड़ रुपए की अभी भी आवश्यकता है। अब अयांश के माँ बाप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही आस है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे हैं अयांश के माता पिता। आपको बता दें कि अयांश के माता पिता का कहना है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही हमें आस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अयांश के माता पिता को काफ़ी उम्मीदें हैं। अयांश के पिता ने बताया कि उन्होंने 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियाद के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है। अयांश की ज़िंदगी खतरे में है, इसलिए वह नीतीश कुमार से मुलाकात करने आए हैं। अयांश के पिता का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हम लोगों से मुलाकात करे, वह केवल एक बार अयांश को अंदर बुलाकर देख ले। अगर अयांश की स्थिति देखने के बाद उन्हें लगता है कि मदद करनी चाहिए तो वह मदद करे। आपको बता दें कि अयांश को बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की आवश्यकता है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। अयांश के माता पिता के मुताबिक अब तक क्राउड फंडिंग से केवल 6 करोड़ रुपए ही जमा कर पाए हैं, बाकी 10 करोड़ की अभी भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पिछले जनता दरबार में अयांश का मामला सामने आया था। जी हाँ, मीडिया ने जब सवाल किया था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके जरिए अयांश की मदद की जा सके। अब जब अयांश को लेकर के उसके माता पिता खुद जनता दरबार के बाहर पहुँचे हैं तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मिलने का मौका देते हैं या नहीं। जी हाँ, क्योंकि अयांश के माता पिता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आस लेकर के आए हैं। यही बोलना चाहूँगी कि आप मदद करें हमारी, इसीलिए आई हूं सर। मदद करें, अपने तरफ से चाह रहे की मदद हो। उनकी मदद के बिना सर संभव नहीं है। संभव नहीं है तो आज आप आई हैं कहाँ? जनता दरबार। यहाँ क्या कहा गया? अभी सर कुछ कहा नहीं गया है, हम लोग बस मिलने आए हैं। हम लोग एक महीना पहले लगभग अपॉइंटमेंट लिए थे, अभी तक नंबर नहीं आया। जी, हम लोग एक महीना पहले लगभग अपॉइंटमेंट लिए थे जी जनता दरबार के लिए जी, और अभी तक नंबर नहीं आ पाया। 3-4 बार हम लोग फोन भी लगा चुके हैं कि हाँ हाँ सर आए, बुलाएंगे आपको मिलने के लिए, मगर वो भी अभी तक नहीं बुलाया। हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, अभी समय नहीं है, समय बीता जा रहा है बच्चे के लिए, और क्राउड फंडिंग से अभी पूरा नहीं हो पाया। सरकार इसमें आगे नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।